नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं DST न्यूज़। लॉकडाउन फेज 3 जारी है और इस दौरान रमज़ान का पाक महीना भी जारी है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, लॉकडाउन है और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, किस तरह से अपना समय बिता? देखिए, यह महीना रहमत की महीना है जी। और हमारे लोग जो मानते हैं, इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं, इस्लाम को जो मानने वाले होते हैं, सबसे 12 महीना में सबसे अव्वल महीना रमज़ान के महीना होता है। और इसमें 30 दिन का होता है, तो इसमें अलग अलग ही है। 10 दिन करके होता है, रहमत का होता है, गनीमत का होता है, मगफरियत का होता है, बहुत सारी चीज़ है इसमें। और इसमें अधिकांश लोग जो पेशा में है उससे थोड़ा अपना कम करके अधिक से अधिक समय जो है इबादत में देते हैं। और हमको लगता है कि इस बार जो लॉकडाउन में लोगों को घर में समय बिताने की ज़्यादा समय मिला है, बिता भी रहे हैं। लोगों को हम मैसेज भी देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये गनीमत का महीना है, रमज़ान का महीना बार बार नहीं आती है, साल में एक महीना, और जिसमें हम लोग अधिक से अधिक इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, घर में रहने को हमें समय मिला है, कारण आप जानते हैं। तो हम अपना घर में रहकर जो है इबादत करें, और इबादत के साथ साथ जो महामारी हमारे यहाँ कोरोना वायरस जो फैला है पूरा दुनिया में, इसके लिए भी हम दुआ करें, ये बला, ये महामारी पूरा दुनिया से ख़त्म हो। सर, लॉकडाउन है, ऐसे में सभी लोग घर में हैं। रमज़ान में जिस तरह से ख़रीदारी करते थे लोग, बाहर निकलते थे, लेकिन वो अब सब घर में रहेंगे। ऐसे में आप अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की ज़रूरतों को किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए, ये करीब करीब 50 दिन से लॉकडाउन है और 30 दिन में बहुत कुछ जो होता है ना, नियम का परिवर्तन हो जाता है, रहन सहन का भी परिवर्तन होता है 30 दिनों में। 50 दिन हो गया है और बहुत हद तक ये समझौता लोगों ने कर लिया है। और हमने अभी कहा कि रमज़ान का महीना में अधिक से अधिक लोग घर में रहना पसंद करते हैं, और उसी तरह हम लोग रमज़ान बिता देंगे। ईद भी सामने आ जाएगी, फिर आगे फिर देखा जाएगा कैसा होगा। सर, लॉकडाउन है और ऐसे में सभी लोग घर में हैं, आप भी घर में हैं। पहले जिस तरह से क्षेत्र में घूमना होता था, लोगों की मदद करते थे, बाहर निकलते थे, लेकिन अभी घर में, क्या कुछ ऐसा छूट गया था पिछले कई सालों से जो आप नहीं कर पाए थे और इस लॉकडाउन के दरमियान आपने किया? देखिए, ये 24 घंटा में कम से कम अपना जीवन का जो शैली हमारा है, बरसों से, आज से नहीं, बरसों से 14 घंटा 16 घंटा तक लोगों से हम मिलते रहे। इस बार जो है 50 दिनों जो लॉकडाउन झेल रहे हम लोग, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया। सोशल डिस्टेंस, कहीं भी जाते हैं ऑफिस वगैरह, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। परिवार के लोगों से अधिक समय बिताने को मिला है। इसके पहले कभी लंबा समय तक एक ना नहीं बिता पाए थे। तो ये तो एक तरफ से अच्छी बात है, जो अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन जिस जनप्रतिनिधि की हैसियत से हम चुन कर आए, जिनके बदौलत, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मुझे इस बात का दुख भी है, खलल भी है। लोग इस महीना में रोज़ाना मेरे पास 200 से 500 तक लोग रेगुलर हमसे मिलते थे, चाहे जो भी समस्या लेकर वो लोग आते थे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हम लोग का चलता है, उसके लिए भी लोग आते थे, उसका भी कार्यक्रम का जानकारी हम लेते थे, उसको भी जो होता था हम लोग मदद करते थे। तो ये कमी तो हमें महसूस हो रहा है, और ये कमी हमको महसूस हो रहा है, और विशेष करके उन लोगों का, जिन लोगों ने हमको यहाँ पर बैठाया है, उन लोगों से हम नहीं मिल पा रहे हैं, ना उनके जो मैंने अनुरूप हम कुछ काम कर पा रहे हैं, ना उनको हम मदद कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे इस बात के लिए दुख है, लेकिन लंबा समय तक अपना राजनीतिक जीवन में मुझे याद नहीं है कि मैंने
कभी भी ऐसा दिन हुआ होगा चाहे कभी भी जो हम 200 400 500 आदमी से हम नहीं मिले, ये बात का तो है कि हम नहीं मिल पा रहे, उसे दुख है, लेकिन अपने परिवार के साथ समय बिताने मिला है इसलिए खुश भी हूँ। सर, झारखंड वासी को इस रमज़ान के मौके पर क्या कहना चाहिए? इतना ही हम कहना चाहते हैं कि रमज़ान का महीना है, पाक महीना है, रहमत की महीना है, बरकत की महीना है, और इस महीना में जो इबादत करते हैं, दुआ हम लोग करते हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपने सुरक्षित रहें, अपना परिवार को सुरक्षित रखें, अड़ोस पड़ोस को सुरक्षित रखें, और पूरा देश को भी हम लोग ये दुआ करें कि इस महामारी से हमें निजात मिले, दुनिया के लोगों को निजात मिले और सब जो है स्वास्थ्य लाभ करें। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी, जिन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा है कि रमज़ान का इस पाक महीना में हम सभी सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, लॉकडाउन में रहें, और इस ये रमज़ान जो है वो हम सभी परिवार के साथ घर में रहकर ही मनाएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहें दैश्री न्यूज़, गौरी रानी, रांची से।